अर्चना जी, डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा जाता है. बिल्कुल. क्योंकि ये जिंदगी बचाने का काम करते हैं. और इस समय जो महामारी चल रही है पूरे विश्व में, हमारे डॉक्टर जिस प्रकार से इस बीमारी के साथ लड़ रहे हैं, उन्होंने इस बात को साबित भी कर दिखाया. तो हमारे डॉक्टर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां. और आज हमने ऐसे दो डॉक्टर्स को यहाँ पे इनवाइट किया है जिन्होंने कोरोना की शुरुआत में, जब सब लोग घबराए हुए थे, दुनिया भर के तमाम जितने भी डॉक्टर्स हैं सबको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, ऐसे में इन लोगों ने आगे आके सरकार के साथ मिलके अपनी हिम्मत और सूझबूझ से इस बीमारी से लड़ने का रास्ता दिखाया. तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम डॉक्टर मुफज्जल लकड़ावाला और डॉक्टर गौतम भंसाली. एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए. डॉक्टर मुफज्जल और डॉक्टर गौतम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सर. और नॉर्मली हम लोग बातचीत में कहते हैं ना कि आप अपना कीमती समय निकाल के आए, लेकिन आप लोगों का समय वाकई में बहुत कीमती है. जिस तरीके का आप काम कर रहे हैं, आपको सैल्यूट है सर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सर. अभी तो डॉक्टर साहब नॉर्मल हो गया है. वैसे पहले लोग बड़ा डरे हुए थे, कहीं तो फोन नहीं उठाते थे कि फोन से ना आ जाए. मतलब मुझे याद है पहले 4 महीने हमने भी अपना शो बंद रखा सर, और फिर तो हमने जैसे तैसे शुरू कर भी लिया. अर्चना जी नहीं आ रही थी, कह रही थी मेरी जगह मेरे हस्बैंड को ले जाओ. मैंने कहा मतलब परमीर सर कैसे लगेंगे सामने बैठे लोगों को, आपकी आदत है, इसको मेरी नाइटी पहना दो, विग लगा दो, मेरे से भी सेक्सी लगता है. कहती बिठाओ मेरे हस्बैंड को, रिस्क उसका, पैसे मेरे. वाह कमाल है. मतलब डॉक्टर मुफज्जल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं अपने नाम को? आप डॉक्टर ही छोड़ दो. अच्छा. बिकॉज आजकल तो क्या हो गया है, डॉक्टर डॉक्टर के लिए हाथ वाथ जोड़ते हैं, आजकल ग्रीटिंग तो पैर से होती है. लेकिन एक्चुअली जैसे कि कोरोना वायरस इतना लंबा नाम है, कोविड छोटा सा नाम है, लेकिन ज्यादा डराव नहीं दिखता है. तो मुफज्जल के ज्यादा मुफी, आई थिंक ज्यादा मुफी. और आपका नाम इतना वो है ना, मुफज्जल, ऐसा लगता है आप शेरो शायरी भी करते होंगे. अच्छा मैं सही बोल रहा था, ये मुझे गलत बोल क्या, मुफज्जल बोलिए आप. फिर मैंने मुफज्जल सही किया, मेरे मुंह में लकड़ा फंस गया. जोक्स अपार्ट सर, मैं पर डॉक्टर साहब आप 4-5 महीनों से जिन हालातों से गुजर रहे हैं हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते. Absolutely. लेकिन आज आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देख के लग रहा है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं सर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. डॉक्टर मुफी जो हैं ये बेरियाट्रिक स्पेशलिस्ट हैं और इनका अपना हेल्थ इंस्टीट्यूट भी है. और डॉक्टर गौतम भंसाली जो हैं ये बॉम्बे हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और मुंबई के प्राइवेट हॉस्पिटल्स के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. और मुंबई में इस समय कोरोना की जंग जो हो रही है उससे लड़ने के लिए जो इनका योगदान है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है. दिल से दुआ है कि भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे, लंबी उम्र दे. आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर. अच्छा पहले पहले तो डॉक्टर साहब इतना पैनिक था, लोग इतना घबरा रहे थे, लेकिन अब थोड़ा लोगों को मतलब पता चल गया, जैसे कि थोड़ा एहतियात रखें आप, अच्छा खाएं पिएं और एक्सरसाइज करें और गर्म पानी पिएं, जितना जितना हमने सुना है, तो लोगों में थोड़ा पैनिक कम हो गया. पहले लोग बड़ा डरते थे. और एक अच्छी खबर और अर्चना जी कि भारत में जो रिकवरी रेट है वो सबसे ज्यादा है, ऐसा हमने सुना है डॉक्टर साहब. पता है क्यों? क्यों? क्योंकि बाहर वर्ष में किसी ने गो कोरोना का सॉन्ग ही नहीं गाया था. पर ऐसे डॉक्टर साहब ये खबर बिल्कुल सच्ची है कि हमारा रिकवरी रेट जो है सबसे ज्यादा अच्छा है? फ्रेंकली स्पीकिंग वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे कि अभी सीरो प्रिवेलेंस स्टडी में जो आया है कि हमारी एंटीबॉडीज ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है. Okay. जैसे कि मुंबई के स्लम्स में 60% लोगों में ऑलरेडी एंटीबॉडीज है. Okay. अगर 60% लोगों में एंटीबॉडीज है, यानी कि उनको वायरस कभी ना कभी तो छू के गया है ये वायरस. ओके. सार्स कोविड 2 कोरोना वायरस. तो एक्चुअली जितना हम इसकी फेटालिटी मान रहे मेरे हिसाब से इतनी नहीं है. मोर्टैलिटी रेट इसकी 3% है. इंडिया की जो है 3% से भी कम हो गई है. अभी इस टाइम में हिंदुस्तान की जो मोर्टैलिटी रेट है 2% है. क्या बात? जो कि विश्व में सबसे कम मोर्टैलिटी रेट है.
और तब भी अगर आप मान लो कि जितने आपने केसेस जितने टेस्ट किए जिसने पॉजिटिव आए लेकिन आपने उनको तो मेजर ही नहीं किया जिनके आपने टेस्ट नहीं किए एक्चुअली एंटीबॉडीज आने का मतलब कि दे वर एक्सपोज्ड टू दिस वायरस तो अगर उन सबको आप मान लो 1.3% पॉपुलेशन में से अगर आप मान लो कि 50% को भी ये हो चुका है और एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी है तो दैट मींस योर केस फेटैलिटी रेट इज लेस देन 0.01% लेकिन डॉक्टर देन आई हैव अ क्वेश्चन कि अगर इतनी कम मोर्टैलिटी रेट है इस डिजीज की तो इतना भय क्यों है इस बीमारी को लेकर अर्चना जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भय ज्यादा फैलाया गया true, है इसमें इतना ज्यादा घबराने की बात नहीं है बट सावधानी रखनी है सतर्कता रखनी है सावधानी सतर्कता का मतलब है कि आपका जो वायरस का एंट्री पॉइंट आपका माउथ है आईज नॉस्ट्रिल और माउथ इसी से आपको जाता है सैनिटाइजर का बराबर इस्तेमाल करो मास्क का बराबर इस्तेमाल करो और बार बार आप हाथ को मुंह पे टच मत करो ये एक आदमी की आदत होती है कि बार बार कभी यहाँ टच करते हैं वो आदत होती है जितनी बार भी आप चेहरे को टच कर रहे हो हर बार आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो और फिजिकल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग एक गलत वर्ड दिया गया जबकि सोशल तो उल्टा ज़्यादा काम हुआ है तो फिजिकल डिस्टेंसिंग कम से कम 1.5 मीटर की दूरी बनाकर रखनी है इसलिए डरने की जरूरत नहीं है बट सावधानी और सतर्कता रखनी है वो इम्पोर्टेंट बिल्कुल मेरे काफ़ी दोस्त लोग कहते थे जो काफ़ी पीते तो बोलते थे इस टाइम अल्कोहल का यूज हाथों पे ज्यादा हुआ है अंदर काफी लोग अल्कोहल ऐसे लेते थे सेंटर ऐसे लिया और ऐसे डालते थे चलो वायरस अंदर ही नहीं जाए ये भी चलन काफी चल गया मेरे एक दो डॉक्टर दोस्त हैं वो लोग ही मुझे बताते रहते हैं किसे कहते हैं इतने फोन आते हैं जो जान पहचान वाले बड़े फोन करते हैं आपको भी सर करते होंगे लोग फोन की क्या करना है क्या नहीं सर बहुत ज्यादा जब ये सर कोरोना शुरू हुआ था हिंदुस्तान में आने वाला था सबसे पहले अमेरिका में यूरोप में उस जगह बहुत ज्यादा फैल रहा था तो हमने क्या किया कि हमने बॉम्बे हॉस्पिटल डॉक्टर्स की एक टीम बनाई जनरली डॉक्टर अपने मोबाइल नंबर हर किसी को देते नहीं है जी बट सबके नंबर हमने डिस्प्ले किए पब्लिक में दे दिए सब जगह बांट दिए और हमारे पास में इतने फोन आने लगे रात दिन फोन आते थे किसी को हल्का सा खिचकिच हुआ डॉक्टर साहब फोन हो रहा है खिचकिच हुआ कोरोना तो नहीं आ गया किसी को अगर हल्का सा जुकाम भी हुआ अरे डॉक्टर साहब मेरे को जुकाम हो गया कहीं ये तो नहीं हो गया सो एक अलग तरह का पैनिक अलग तरह का माहौल बनने लगे एक्चुअली फोन हमारा एक तरह से कॉल सेंटर बन गया था सुबह शाम रात दिन बाथरूम में जा रहे हो ब्रश करो फोन चल रहा है नहाने जा रहे हो फोन चल रहा है ये हालत हो गई थी बट एक पैनिक वाला माहौल था क्योंकि बाकी बाहर की कंट्री में ज्यादा था मैंने सवाल डॉक्टर साहब से इसलिए पूछा क्योंकि मेरे जो एक जानकार डॉक्टर है वो तो इतना परेशान हो गए ना रिश्तेदारों के फोन से उन्होंने फिर एक ना सार्वजनिक मैसेज बनाया अच्छा। उसको ब्रॉडकास्ट किया उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन थी लिख दिया कि नींबू पानी पिए काढ़ा पिए स्टीम ले ये वो लास्ट में उन्होंने लाल अक्षर में बड़ा बड़ा लिख दिया जितना मुझे पता था मैंने बता दिया इससे ज्यादा पूछना है तो खुद डॉक्टर बन जाओ क्योंकि वो तंग आ गए थे मतलब पर ऐसा डॉक्टर साहब दुनिया में मतलब मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैंने 35 साल में पहली बार ऐसा देखा है कभी हुआ नहीं फिर मैंने अर्चना जी से पूछा इन्होंने बताया कि मैंने भी अपनी लाइफ टाइम में पहली बार ऐसा देखा है तो 150 साल तो यही हो गए तो, क्योंकि किसी को पता ही नहीं ना आया क्या दुश्मन का पता हो किससे लड़ रहे हैं तो लड़ाई आसान हो जाती है तो आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी डॉक्टर साहब सर शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम आई सर क्योंकि ये एक अलग टाइप की बीमारी है जिसको WHO ने पेंडेमिक घोषित किया था इसके लिए हमको अलग टाइप का ICU की जरूरत पड़ रही थी अलग टाइप का एंट्री अलग टाइप का एग्जिट मतलब ये हालत थी कि बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को हॉस्पिटल छोड़ने नहीं जा रहा है हस्बैंड अपनी वाइफ को हॉस्पिटल छोड़ने नहीं जा पा रहे बाप बेटे को छोड़ना नहीं जा पा रहा हर व्यक्ति को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ रही थी कि उसके थ्रू आप हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं राइट हॉस्पिटल ICU में हमको नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना पड़ रहा था शुरुआत में इतनी मुश्किल थी लेकिन मैं बहुत बहुत मतलब धन्यवाद बोलता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट ने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने इतना हमको सहयोग दिया इतना इसमें हेल्प किया कि डॉक्टर्स आप लोगों को जो करना है जो फैसिलिटी चाहिए हमें बताओ हम आपके साथ में हैं मुंबई पुलिस ने काम किया सब लोगों ने मिलकर बहुत मदद की आज जैसे हमारे बॉम्बे हॉस्पिटल है टचवुड हमारे पास में 3 अलग अलग बिल्डिंग है एक हमने पूरा नॉन कोविड बिल्डिंग कर दिया एक हमने पूरा कोविड बिल्डिंग कर दिया सो लोगों में समझो अगर किसी को हार्ट अटैक आया तो उसको मन में डर नहीं रहे कि मैं वहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ मुझे कोरोना तो नहीं हो जाए तो उस सब सिचुएशन से निपटने के लिए एक अलग तरह की व्यवस्था की गई प्राइवेट हॉस्पिटल को आगे बुलाया गया म्यूनसिपल हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से मदद किया और धीरे धीरे जैसी चाह जैसे रहा रास्ते खुलते गए और आज आप देखा जाए कि मुंबई और अपना हिंदुस्तान अगर विश्व में बहुत बड़ा एग्जाम्पल बना हुआ है बिल्कुल और दो अपना ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है हमारे यहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर है वर्ल्ड के नंबर वन है हमारे यहाँ पे क्वालिफाइड नर्सेज है वार्ड बॉयज है ये वर्ल्ड में नंबर वन कहलाते हैं नर्सिंग में और डॉक्टर्स के अंदर लेकिन जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था लेकिन अभी टचवुड सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कह सकते हैं तो हिंदुस्तान का है मुंबई का है
मेरे पास तो गौतम सर के जैसे तीन बिल्डिंग्स तो थी नहीं मुंबई अस्पताल की. अच्छा. तो मैंने एक स्टेडियम ही ले लिया, बोला इसको ही बना देते हैं. वो कहते हैं ना कि जरूरत आविष्कार की जननी है. जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है, आप बहुत डेस्परेट होते हैं तो हल निकल आते हैं. डॉक्टर साहब, आपको पता है अब आप लोगों को एक नया नाम दिया गया है, वॉरियर्स. हमारे डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, हमारे यू नो पुलिस है, या जितने भी लोग इस समय बाहर निकल के काम कर रहे हैं. सो बड़ी दुआएं निकलती हैं डॉक्टर साहब, और मुझे लगता है ये दुआओं का असर भी होता है कि आप लगातार इतने महीनों से काम कर रहे हैं और एकदम स्वस्थ हैं. सो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको दिल से. डॉक्टर मुफी, हमने सुना आपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट तो कर ही रहे थे, साथ में एंटरटेनमेंट का भी आपने ख्याल रखा. तो जैसे हम यहाँ पर पहुंच गए, हमारी एंटरटेनमेंट आप कर रहे हो. लेकिन एक चीज है ये बीमारी में कि स्टार्टिंग में भय और भीति बहुत ज्यादा थी लोगों को. एक्चुअली जो फिल्म्स में होता है ना, वो सायरन बजता है, कोई आता है डरावना, बीएमसी वाला, पुलिस वाले भी आजू बाजू में लट्ठा लेके खड़े हो जाते थे. अच्छा जी. पेशेंट्स अंदर जाते थे तो डॉक्टर पूरे सफ़ेद कपड़े में रहते थे, ना तो कोई पहचान था. वो डॉक्टर भी बेचारा घबराया हुआ रहता था, नर्स भी घबराई हुई रहती थी, और ज़्यादा बात नहीं होती थी. अक्सर आम तौर पे आप डॉक्टर के साथ बात करते हो तो गुफ्तगू होती है ओपन, राइट. इसमें तो आप देख ही नहीं पाते थे. वो उसका भी ये शील रहता था, मास्क रहता था, उसको भी पसीने पसीने से, तो वो डरावना पिक्चर होता था और सेटिस्फैक्शन पेशेंट को मिलता नहीं था. इसके लिए उनका मेंटल स्टेटस इतना अच्छा नहीं रहता था. तो इसके लिए हमने एंटरटेनमेंट किया, हमने रूप कुमार, सोनाली राठौड़, अनु मलिक, स्वप्निल जोशी, सब ने आके उनको एंटरटेनमेंट किया, बड़े बड़े स्क्रीन्स पे लाए, खास आपके लिए हम आ रहे हैं. आई थिंक इट वॉज वेरी वेरी काइंड ऑफ. क्या बात है. तो मुझे एक बार याद है कि रूप जी ने संदेश आते गाया था. And when he sang that, there were actually people crying. Crying. It was so emotional because they all wanted to go home. It's very nice actually. अच्छा डॉक्टर मुफी, हमें ये भी पता चला कि जब से आप 4-5 महीने से ये कोरोना के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तब से घर नहीं गए, अपनी वाइफ से नहीं मिले. तो व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर, इज इट अ प्रॉब्लम और इज इट अपॉर्चुनिटी? सर, आपकी वाइफ का नाम गिनी है ना? हाँ. मेरी वाइफ का नाम भी गिनी है. हैं? अच्छी होती है गिनियाँ, बहुत अच्छी होती हैं. अभी वो एक्चुअली ये काउच जरा सोशल डिस्टेंसिंग के कारण से छोटा हो गया, लेकिन मैं काउच पे सोता था, 4 महीने काउच पे सोया हूँ. सो स्वीट यार. अच्छा डॉक्टर बंसाली का उल्टा है, ये भी 5 महीने से लगातार ऐसे ही कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन ये रोज अपने घर जाते हैं. मतलब इनकी वाइफ ने कहा कि रोज आपको घर आना है. तो डॉक्टर साहब, ये आपकी वाइफ का आपके लिए प्यार है कि आपके ऊपर उनको भरोसा नहीं है? सर ये आपने जो बताया दोनों बातें हैं, थोड़ा भरोसा भी है, थोड़ा भी बिल्कुल सच है. बट वाइफ का सर ये था कि उनके मन में बहुत डर था, वो घर में अकेली थी, मेरे बच्चे छोटे हैं, एक 11 साल का बच्चा है, एक 3.5 साल का बच्चा है. शुरुआत के 5-7 दिन तक तो मैं ये था कि मैं हॉस्पिटल में रहा, वहीं सोया रहा. बट जब इतना पैनिक ही हो गया, वो बेचारी रोने लगी वाइफ, तो वो बोली कि नहीं नहीं कुछ भी होगा, आप घर पे आओ, घर पे आओ. तो मैं कहा ठीक है, मैं घर पे आता हूँ, मैं अलग रहूँगा और आप लोग सब बच्चे लोग सब एक रूम अलग सोना. बोला ठीक है ऐसा करेंगे. जैसे ही मैं घर गया आया, बोला नहीं नहीं आज आज एक बार सब साथ सोते हैं. तो मैं, मेरी वाइफ, बच्चे एक पलंग पे, चारों लोग, हम लोग एक दूसरे को पकड़ पकड़ के सोते थे. इतना डरावना माहौल था. इनफैक्ट मेरे जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे की जिद थी कि अपन साथ में लूडो खेलेंगे. आज 5 महीना हो गया, हम हमेशा रोज रात को लूडो खेल के सोते हैं. God और bless. बच्चे से हारता हूँ और उसमें बड़ा एक अलग ही आनंद आता है. और उसके बाद दोनों बच्चे बेचारे मेरे पैर दबाते हैं. मेरी मदर राजस्थान से बोलती है पापा के पैर दबाओ, कोरोना से लड़के आ रहे हैं, पैर दबाओ. This तो बेचारे दोनों बच्चे पैर दबाते हैं. सो एक दोनों स्वीट है. मेरे लिए सिर्फ एक ही इमोशनल सीन था, जब आई हैव गॉट अ 6-year-old सन. बिफोर ये कोरोना जंग में उतरने के पहले आई प्ले फुटबॉल विद हिम. तो काफ़ी वो मेसी का फैन है और फुटबॉल खेलते खेलते सडनली वन डे ही टोल्ड माय वाइफ कि पापा घर पे क्यों नहीं आ रहे. मेरे कपड़े पहनता था घर पे और मुझे फोटोग्राफ लेके मुझे भेजता था कि आई एम द प्रोटेक्टर, आई एम द मैन ऑफ द हाउस. आज के दौर में इफ यू आर नॉट टेकिंग प्रिकॉशंस, आपने आपका गार्ड लेट डाउन किया, तो इट्स बीइंग स्टूपिड, बीइंग फूलिश. Yes, तो I feel आप ही अपने परिवार को बचा सकते हो. सो द वेरी फैक्ट दैट आई हैव नॉट गॉन होम विद अ प्रेग्नेंट वाइफ एट होम वाज ओनली बिकॉज़ ऑफ दैट रीज़न. या वी मस्ट डू इट फॉर देम इफ नोबडी एल्स. या
अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी फैमिली में भी डॉक्टर थे सर आपके? नहीं, कोई भी डॉक्टर नहीं था। आप फर्स्ट जनरेशन हैं डॉक्टर? मैं फर्स्ट डॉक्टर हूं फैमिली का। ओके, और आप डॉक्टर साहब? सर मेरे पूरे दूर दूर के खानदान में कोई डॉक्टर नहीं है सर। अच्छा, मैं ये आ गया था इसमें। हम तो सर बचपन में थे, छोटे से गांव में रहते थे, माँ बोलते थे बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। उस जमाने में डॉक्टर इंजीनियर यही चलता था एक्चुअली। तो हमारे भी दिमाग में घुस गया भाई डॉक्टर बनना, डॉक्टर। अभी भी यही चलता है सर? अभी भी नहीं, अभी तो सर थोड़ा सा बदल गया है, एक्टर बनना है, कॉमेडी शो करना है, काफी चीजें हो गई। सर मेरी इतनी रोमांटिक स्टोरी तो नहीं है कि मैं गाँव से आया हूँ, इतना बड़ा बन गया हूँ। मैं तो रहता था भिंडी बाजार में। अच्छा जी। तो दो ऑप्शन थे, या तो भाई बन जाओ या तो कोविड भाई बन जाओ। तो मैं सलमान खान जितना हैंडसम था नहीं, तो मैं ना तो मूवी भाई बन सका, ना तो कपिल जितना टैलेंटेड था कि टीवी भाई बन जाओ। तो मैंने कोविड भाई बना लिया। ये जो आप कर रहे हैं सर, ये बहुत ही नेक काम है, और इसके लिए जितना आपको हम शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। कपिल जी मैं आपको बताता हूँ, इतनी घबराहट, इतना पैनिक जब फैला हुआ था हमारे घर में, टीवी में सारी मूवी खत्म हो गई, कुछ देखने को नहीं, सिर्फ कपिल शर्मा शो, वो एक ही शो था। मैं दिल से बोल रहा हूँ ये बात ही, मेरे nice. मेरे बच्चों के साथ, मेरी वाइफ के साथ में बैठ के वो कपिल शर्मा शो देखोगे, बड़ी शांति मिलती थी, लगता है अच्छे से सो सकते हैं, कोई तकलीफ। थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली सबसे ज्यादा क्रेडिट मेरे हिसाब से जानी चाहिए उन नेमलेस फेसेस को, उन बेचारी लड़कियों को जो नर्सेज है, जो रोज अंदर जाती है, रोज बाहर आती है, पीएमसी वर्कर्स जो रोज झाड़ू मार रहे हैं, या वो पुलिस कांस्टेबल जो बेचारे इतने ही खड़े रहते हैं पूरे टाइम पे, उनके पास इतने प्रोटेक्शन के चांसेस भी नहीं रहते। हम जब अंदर जाते हैं तो पूरा पीपीई पहन के जाते हैं, वी टेक मेडिकेशंस, उनके पास इतनी सहूलियत नहीं रहती। सो आई थिंक सलाम टू दोस पीपल। डॉक्टर मुफी, ये सवाल था अर्चना जी का आपसे, जैसे कि अब तो आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप सर्जन हैं, लेकिन जब पहली बार आप ऑपरेशन करने गए थे तो ज़्यादा कौन घबराया हुआ था, पेशेंट के आप? पेशेंट तो बेचारा, उसने इतने भगवानों को याद कर लिया था कि इससे बचा लो। पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर साहब ये मेरा पहला ऑपरेशन है, साहब ने भी बोला कि मेरा भी पहला है। अच्छा, हमारी फिल्में बड़ा कंफ्यूज करती है ना। क्या? फिल्मों में ऐसा अक्सर होता है, ऑपरेशन थिएटर खुलता है, डॉक्टर बाहर आते हैं, अब इन्हें भगवान ही बचा सकता है। हाँ। पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो इनको भगवान मान के आए, ये खुद भगवान के भरोसे बैठे हुए। अच्छा, मैंने डॉक्टर गौतम आपके बारे में एक बात सुनी कि आपने जितने भी कोविड पेशेंट्स की देख रेख की जाए, जिनका इलाज किया, उनसे आपने फीस नहीं ली बिल्कुल भी। जी सर। सो स्वीट ऑफ यू सर। सर ये एक इंडिविजुअल चॉइस थी सर, मेरे दिल से था सर कि ये ऐसा पेंडेमिक सालों में एक बार आता है, इसे अपॉर्चुनिटी एंड डाइवर्सिटी, ऐसे टाइम में काम करना चाहिए, एक हिस्ट्री लिखी जाएगी, लोगों को बाहर निकलना चाहिए, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, सबको निकल के काम करना चाहिए, और सब लोगों ने इसमें काम किया। हमने अपने बुजुर्गों के मुँह से सुना ना कहते हुए कि ऐसे समय में जब आप किसी की मदद करते, ईश्वर कई गुना आपको जो है वो किसी ना किसी रूप में आपको जरूर देगा, और गॉड ब्लेस यू सर, बार बार यही से दुआएं निकलती हैं। डॉक्टर जी नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। मुफी जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। मैंने सुना कि आप लोगों की चर्बी निकालते हो, किसी बड़ी सेलिब्रिटी की अगर चर्बी निकाली है तो प्लीज मुझ में भर दो। भाभी आप क्या हो गया आपको, लोग पतले होने के लिए मेहनत कर रहे हैं और तुम दूसरों की चर्बी अपने अंदर डलवा रही हो? मैंने मोटे ही होना है। क्यों? मेरे पति बहुत मोटे हैं डॉक्टर साहब, पूरे बेड पे इससे पसर के इतनी जगह घेर लेते हैं, मुझे जगह ही नहीं मिलती। मैं तो चाहती हूँ मैं इतनी मोटी हो जाऊँ, इतनी मोटी हो जाऊँ कि मेरे पीछे उनको कोई लड़की ना दिखे। लेकिन आपके लोगों का तो खुल्लम खुल्ला होता है ना। क्या मतलब? ऐसा नहीं होता। क्या मतलब? क्या इनके क्लिनिक के बाहर शरेआम लिखवा देते हैं ये कि लेडीज को देखने का समय 9 से 11। मैंने एक बात भी पूछनी है, 9 से 11 भाभी जी घर पे नहीं होती? भाभी वो लिखा जाता है लेडीज पेशेंट्स को, वैसे वाला देखना नहीं जैसे तुम्हारे हस्बैंड देखते हैं। मेरे हस्बैंड सिर्फ देखते हैं, ये लोग तो सीधा हाथ पकड़ लेते हैं। अरे वो नस देखते हैं, नस देखते हैं। जब इनके पास खुद की नर्स होती है फिर दूसरी क्यों पकड़ते हैं? मैं भी चाहती थी डॉक्टर साहब कि मैं ना एक दिन नर्स बनूं, फिर मैंने सोचा अगर किसी हैंडसम डॉक्टर ने मुझे सिस्टर कह दिया मैं तो भाई जीते जी मर जाऊंगी। फिर मैंने सोचा कि रहन दो, मैं
मैंने नर्स नहीं बनना, मैं पेशेंट ही ठीक हूँ। कम से कम डॉक्टर ऐसे करके हाथ पकड़ेगा और ये तो कहेगा कि जोर से सांस लीजिए। डॉक्टर साहब, आपके पास कोई ऐसी क्रीम है जिसे मैं लगा के थोड़ी कम खूबसूरत हो जाऊँ? कम खूबसूरत क्यों होना चाहती है भाभी? देखो डॉक्टर साहब, मैंने ना बिना मेकअप के 11 बच्चे हो गए। अगर सोचो मैंने मेकअप किया होता तो कितने हो जाते। ये तो आप दोनों को अकल होनी चाहिए ना, आपके पति को भी। सुना नहीं आपने, बच्चे दो ही अच्छे होते हैं। हमें पूरी अक्ल है देवर जी, हमें ये भी पता है कि बच्चे दो ही अच्छे होते हैं, लेकिन दो कौन से वाले अच्छे होंगे ये नहीं पता था। इसी चक्कर में तो 11 बच्चे हो गए हमारे। लेकिन डॉक्टर मुफी, मैंने सुना आपके ट्विंस है। जी जी जी। हमें ट्विंस वाला तरीका पता नहीं था, वरना हमारे भी 11 साल ना लगते, 5.5 साल में काम हो जाता। भाभी, और कुछ पूछना आपको? हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं लॉकडाउन में बहुत ज्यादा बोर हुई हूँ, प्लीज आप मुझे अपने हॉस्पिटल पे ले जाइए, मैं आपके बहुत काम आऊंगी। मैं ना पेशेंट का वो चेक करके बताऊंगी आपको। क्या बीपी? नहीं नहीं, फ्रूट है? फ्रूट चेक करके बताऊंगी कि उनके रिश्तेदारों को फ्रेश फ्रूट दे के जाते हैं कि नहीं। आपके लिए कोई पीपी किट नहीं बन पाएगा, आपको पीपी किट पहन के जाना पड़ेगा कोविड वार्ड के अंदर। नहीं नहीं, पीपी किट नहीं बना, लेकिन रजाई के गिलाफ होते हैं ना, हम वही ओढ़ लेते हैं। एक्चुअली क्यों? क्योंकि वो शील्ड में आपकी ब्यूटी दिख नहीं पाएगी। ये सब बड़ा ये वाले डॉक्टर साहब हैं अपने मतलब के। मुझे लगा आपको वैसे वाले पसंद है। नहीं नहीं, ये वाले डॉक्टर हैं जो ऐसे देख के कहते हैं दवाई दे दो, ये वाले यहाँ तक सांस ले। देखा मेरी बातों पे कितना हंस रहे। अगर मेरे हस्बैंड आते ना साथ, तो उनके पास ना एक जोक्स का पटारा होता है, वो ऐसे जोक्स सुनाते कि आप हंस हंस के ऐसे ऐसे करके आपके कोट के बटन फट जाते। आपके पति है कहाँ वैसे आज? हाँ डॉक्टर साहब, उनको गैस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी गैस भर जाती है कि वो उड़ने लग जाते हैं। ये तो भगवान का शुक्र है कि मुझे भी गैस की प्रॉब्लम है, मैं उड़ के उनको पकड़ लेती हूँ। मेरे मन में एक और सवाल था। हाँ। डॉक्टर साहब, आप शराब भी छुड़ाते हैं? छुड़वा देते हैं, क्यों? हाँ, तो छुड़वा के रखवाते कहाँ हैं? वैसे नहीं छुड़वाते, आदत छुड़वा देते हैं डॉक्टर। मुझसे ये सवाल मत पूछने के लिए कहा करो, ये बैकस्टेज खड़ी दिखे थी, डॉक्टर से पूछना कि शराब छुड़वा के रखाते कहाँ, मैं वहाँ से ले लूंगी। अर्चना जी, ऐसे मत किया करो, मेरी बेइज्जती करवा दी डॉक्टर साहब के सामने। सॉरी। डॉक्टर साहब, आपसे एक और बात कहनी है। एक बीमारी है जिसका इलाज ही नहीं है कोई। कोरोना का? नहीं नहीं, वहम का। कोरोना का तो ये कर रहे हैं। वैसे डॉक्टर साहब, एक बात बोलूं मैं ना ये सारी बातें हंसाने के लिए करती हूँ, लेकिन रियल लाइफ में सर, आज एज ए भारती बोल रही हूँ कि आज कपिल शर्मा शो में रियल हीरो आए हैं। बहुत सारी फिल्में आती हैं, बहुत सारे स्टार आते हैं, लेकिन जेन्युइनली दिल से कह रहे हैं कि आज मुंबई के तो सुपर स्टार हमारे साथ है। सो सर, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगी, मैं ऐसे करूँ। नमस्ते, नमस्ते। थैंक यू सो मच सर। ऑल डॉक्टर्स, ऑल नर्सेस, डॉक्टर्स, मुंबई पुलिस, वार्ड बॉय, नर्सेस, जितने भी लोग आके इस पैंडेमिक में फ्रंट पे आके काम कर रहे हैं सर, मतलब हमने भगवान सिर्फ मूर्तियों में देखे हैं, लेकिन असल में अगर आपने भगवान देखने हैं तो कपिल शर्मा शो जरूर देखना। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। ओके डॉक्टर जी, ध्यान रखना अपना। कपूर भैया, आपका भी। आइए सर। अच्छा सर, एक मेरा बड़ा एक जेन्युइन सवाल है कि जैसे मुंबई में तो अच्छा नहीं होता ना कि बड़े बड़े शहरों में पढ़े लिखे लोग आते हैं जो खुद ही उनको पता रहता है कि मेरा गला खराब था, आई हैड दिस एंड दिस, लेकिन कई बार लोगों को समझाना नहीं आता, वो समझाते अजीब तरीके से, पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है, कानों में डमरू बज रहे हैं, आप फिर कैसे पता करते हैं डॉक्टर साहब कि इनको प्रॉब्लम क्या है? सर, ये अलग अलग टाइप की तरह के लेके लोग आते हैं। कई बार ये होता है कि आपका हाथ पाँव पकड़ता है, डॉक्टर साहब यहाँ नहीं हो रहा, ये यहाँ पे दर्द हो रहा है, अरे मैं कहा भाई हमारा क्यों टच कर रहे हो, क्योंकि अपना टच करके बताओ उनके लिए। लड़कियाँ करती है, लड़के दोनों दोनों ऐसे। और कई बार तो पेशेंट साहब, एक पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में था, आईसीयू में था, वेंटिलेटर से बाहर निकल गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अब जब भी जाओ एक ही कंप्लेंट, डॉक्टर साहब जब यहाँ हाथ रखता हूँ तो दर्द होता है, जब यहाँ हाथ रखता हूँ तो दर्द होता है। भैया हाथ मत रखो ना, तुम रखते ही क्यों? डॉक्टर साहब, अगर कोई खूबसूरत मॉडल आपकी फेवरेट हीरोइन आ जाए इलाज के लिए, तो उसे भी आप जितना नॉर्मल टाइम लगता है उतने टाइम में ठीक कर देते हैं, थोड़ा लंबा खींच लेते हैं इलाज?
ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि जब कोई खूबसूरत लड़की यहाँ पर आती है ना, ये इंटरव्यू लंबा खींचता है। लंबा खींचता है। फिल्मों में जो डॉक्टर होते हैं ना, वो कभी कभी फिल्में बड़ा अजीब तरीके से दिखाते हैं। जैसे एक ऑपरेशन चल रहा है और डॉक्टर का पूरा ध्यान तो मरीज की तरफ है, डॉक्टर का हाथ ऐसे जाता है और नर्स को इंस्ट्रूमेंट पकड़ा देती है, तो सर उनको पहले से पता होता है आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट देना है कि जो वो देती हैं आप उसी से काम चला लेते हैं? मतलब जो अच्छी वाली नर्स रहती है वो सही इंस्ट्रूमेंट ही आपके हाथ में थमाती है। अच्छा एक और डॉक्टर साहब, बड़ा कॉमन सवाल है कि डॉक्टर्स की जो हैंड राइटिंग होती है वो बोलते हैं केमिस्ट समझ लेते हैं जल्द से दो अच्छा ये दवाई तो मिल जाती है, आम आदमी को समझ में नहीं आती। तो जब आप एग्जाम देते हो डॉक्टरी के, तो आपके प्रोफेसर जब चेक करते हैं उनको समझ में आती है कि वो भी केमिस्ट को बिठाते हैं साथ में? सर वो प्रोफेसर होते हैं वो भी डॉक्टर होते हैं, उन्होंने भी सारी वैसी हैंडराइटिंग लिखी हुई होती है, सबसे बड़ा कारण ये होता है। एक्चुअली क्या होता है, प्रोफेसर को स्टूडेंट से कमती नॉलेज रहता है, उसने पढ़ाई तो बहुत पहले छोड़ी हुई रहती है, उसकी तो प्रैक्टिकल नॉलेज रहती है, तो भी बोलता है हाँ हाँ ये वर्ड एक वर्ड सही है बाकी तो लाइन छोड़ दो। ये अपना दिनेश गया डॉक्टर की पर्ची लेके डॉक्टर के पास भागा भागा आया, कहता डॉक्टर साहब ऊपर वाली तीन दवाइयां तो मिल रही, ये नीचे वाली नहीं मिल रही। कहता अबे ये तो मेरे साइन है। कहता कहता डॉक्टर साहब मेरी भी हैंडराइटिंग ऐसी है कुछ, मैं भी डॉक्टर बन सकता हूँ। उन्होंने फिर गधे वाला इंजेक्शन लगाया इसको और मजे की बात ये इसको सूट भी कर गया। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज और, ये जो डॉक्टर होते हैं ज्यादातर डॉक्टर से ही शादी करते हैं, आपकी इंजीनियर से पटती नहीं है, स्पार्क होने का खतरा रहता है, ऐसा क्या रीजन होता है? मतलब मेडिकल कॉलेज में फेयर वेयर प्यार मोहब्बत हो जाती है? सर जनरली डॉक्टर की इंजीनियर से कभी भी नहीं पड़ती है सर। अच्छा। ये आप कोई भी मेडिकल कॉलेज का किस्सा उठा के देख लो, हमेशा डॉक्टर इंजीनियर एक अलग टाइप की ईगो फाइट रहती है। ईगो फाइट वो हमेशा रहता है। अच्छा? इंजीनियर को लगता है कि नहीं हम बड़े हैं, डॉक्टर को लगता है हम बड़े हैं, दोनों इंटेलिजेंट होते हैं, दोनों एक अलग लेवल पे पहुंचे होते हैं, बट ये एक ईगो हमेशा चलती रहती है। डॉक्टर लड़के की इंजीनियर लड़की से शादी बहुत मुश्किल होती है, बहुत नहीं के बराबर होती है। एक तो वैसे बीवी ऊपर से इंजीनियर या मतलब उल्टा हो जाए, उल्टा डॉक्टर को इंजीनियर मिल जाए, इंजीनियर को डॉक्टर मिल जाए, ऐसा लगता है कि डॉक्टर बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उनको अच्छी अच्छी लड़कियां मिलेंगी। एक्चुअली हम डॉक्टर को कोई मिलती नहीं है, इसके लिए जो मिलती है उससे शादी कर लेते। मूफी आपकी गिन्नी को ये पता है जो अभी तुमने बोला है? ये शो उसको नहीं दिखाना है। हमारे तो बुजुर्ग यही कहते थे बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो, नहीं तो तुम जिससे मर्जी प्यार करो लेके उसको डॉक्टर जाएगा। पर हाँ हमने सुना है कि डॉक्टर मूफी जो है इनकी वाइफ और डॉक्टर बंसाली इनकी वाइफ जो है वो डॉक्टर नहीं है, और आज डॉक्टर बंसाली आपकी वाइफ हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ने वाली हैं। जी हाँ, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिसेस बंसाली के लिए, अभी प्लीज उनको फोन लगाया जाए। हेलो मैम नमस्कार। हाय कपिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे, कैसे हैं आप? सर बिल्कुल बढ़िया हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारक, आपके पति जो हैं वो बहुत ही नोबल काम कर रहे हैं और बड़े लोगों की सेवा कर रहे हैं, सो आपको बहुत बहुत मुबारक और ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। और मैम एक बात और पूछनी चाहता था मैं, जब हमारे शो के लोगों ने आपको बोला कि हमें ऑनलाइन लेना है, तो आपको सच्ची में ये शो पसंद है या आप चेक कर रहे थे डॉक्टर साहब वाकई शूटिंग पे गए कि नहीं? नहीं नहीं सर, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, हम शो को रेगुलर देखते रहते हैं, बहुत बहुत पसंद करते हैं शो को। थैंक यू। और कोरोना टाइम्स में तो सिर्फ एक कपिल शर्मा शो ही था जिसको देखकर हम हंसते थे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो काम आपके पति कर रहे हैं डॉक्टर साहब कर रहे हैं, ये हम तो निशब्द हो जाते हैं इनके सामने आके, और आज बड़ा अच्छा लग रहा है आज डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करते हुए। मैम एक और बात आपसे पूछनी है कि जब ये कोरोना नया नया शुरू हुआ तो पता चला कि डॉक्टर साहब जो हैं अभी कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे, आपको अपने हस्बैंड के लिए डर लगा था कि ऐसे काम के लिए जा रहे हैं? यस सर, स्टार्टिंग में जब कोरोना स्टार्ट ही हुआ था इंडिया में और लॉकडाउन शुरू ही हुआ था, तो टीवी पे जब न्यूज़ चैनल्स पे हम ये सब देखते थे कोविड पेशेंट कितने मतलब बढ़ रहे हैं और डॉक्टर्स भी कैसे इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो बहुत डर लगता था। और मीन्स बट धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता गया कि आपको देश की सेवा करनी है तो यही मौका है और कि सब प्रूव करने का। तो डॉक्टर्स मीन्स रात दिन एक करके इन लोगों ने कोविड पेशेंट का जो ट्रीटमेंट किया है वो बहुत बहुत गर्व की बात है। अच्छा मैम नॉर्मल जो पति लोग हैं ये सब लोग बोल रहे हैं कि लॉकडाउन में हमारी पत्नियों ने काम बड़ा करवाया, डॉक्टर साहब तो वैसे ही बाहर जाके काम कर रहे थे,
पर आप करवाती थी इनसे काम वाम? सर काम कराना तो बहुत दूर की बात है, डॉक्टर साहब तो कभी घर पे मिलते ही नहीं थे। मतलब करवाना आप भी चाहती थी? मतलब इतनी पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बन जाओ, पति पति है। नहीं सर, काम किया मैंने, 2 दिन बर्तन धोए, 2 दिन कपड़े प्रेस किए और काम किया, सीरियसली काम किया हमने। मेरे बेटे ने वीडियो भी बनाया उस चीज का। मैम एक अर्चना जी के बच्चों का सवाल था आपसे, कह रहे थे कि आपकी जब डॉक्टर साहब से शादी हुई तो आपने एक दूसरे को वरमाला डाली थी या स्टेथोस्कोप? ओहो, बच्चों का सवाल है ऐसे, मतलब बच्चे बहुत क्यूट हैं आपके मैम। ये हमेशा स्पाइडरमैन बनके घूमता था, कपड़े भी वही छोटा वाला। छोटा वाला ये आरव भंसाली है, छोटे वाला। और बड़े वाले का क्या नाम है? मेरा नाम अरहम भंसाली। वाओ, व्हाट कॉन्फिडेंस। अच्छा आप भी बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं या कुछ और? नहीं नहीं, डॉक्टर तो मैं कभी भूल के भी नहीं बनना चाहता, क्योंकि डॉक्टर के पास बच्चों के साथ खेलने का टाइम भी नहीं होता है। बेटा लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे, जब आपके पापा की स्टोरीज जो हैं, जो आप बाहर निकलोगे, अभी सब लॉकडाउन ठीक होगा, जब आप सुनोगे कि आपके पापा ने कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने सारे मरीजों को ठीक कर रहे हैं, तब आपका मोहब्बत जो है ऑलरेडी आप करते हैं अपने पापा से, लेकिन आपकी नजरों में रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी, क्योंकि आप तो इनका परिवार है ही, लेकिन ये पूरा हिंदुस्तान इनका परिवार है। मैम बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ ऑनलाइन आई बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। तो अर्चना जी ये थी डॉक्टर गौतम भंसाली जी की मैसेज। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका इलाज जो है डॉक्टर मुफी और डॉक्टर गौतम ने जो किया है और इनकी टीम ने किया है, और वो ठीक होके अपने घर जा चुके हैं। वो कुछ कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब? सो देखते हैं सबसे पहले कौन आ रहे हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार कपिल जी। नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं सर, और कहां से बोल रहे हैं आप? सर नमस्ते कपिल जी, मैं दुलिया से बोल रहा हूं, और कोरोना की चपेट में हम पूरा फैमिली आ गए थे। अच्छा जी। और कपिल जी हम आपके बहुत फैन है। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 15 दिन बॉम्बे हॉस्पिटल में रहा था सर। अच्छा जी। और दो ही चीजें मैं मेरे टाइम पास के लिए करता था, मैं चाणक्य नीति पढ़ता था। अच्छा। और आपके शो देखता था सर मैं जब भी। सो स्वीट, धन्यवाद सर। तो सर आपकी फैमिली में जैसे आपने बताया कि आप कोविड पॉजिटिव हो गए थे, और भी कोई था आपकी फैमिली में? जी मेरी मिसेस अंजना भी कोविड पॉजिटिव हो गई थी, रविराज हो गया था, ये मेरा छोटा पोता है ये भी हो गया था। ओहो, अच्छा। मेरे 2 नंबर के लड़के ये भी हो गए थे, और इनके मिस्टर जो है वो एमडी मेडिसिन है। अच्छा जी। फिजिशियन है, वो भी पॉजिटिव हो गए थे सर। सबको हमको गौतम भंसाली सर का फिर से धन्यवाद करना है कि उन्होंने हमको बहुत थैंक्स बोला है, कि उन्होंने हमको बहुत ही मुश्किल से बचाया। मेरे को तो सर वहां से वापस ला दिया इन्होंने, मेरा ऑक्सीजन 79 तक आ गया था सर। ओह माय गॉड। अच्छा जी। और ये वो गौतम भंसाली ने वापस पूरा टीम बुलाया, और सब टीम बॉम्बे हॉस्पिटल में। हकीकत में सर मैं आपकी वजह से, पूरे देश के लोग देखते आपके कार्यक्रम को, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ बॉम्बे हॉस्पिटल। सर हम आपको बताना चाहते हैं कि वहां से आने के बाद मेरा यहाँ पे एक हॉस्पिटल है दुलिया। अच्छा शहर में। मैंने तुरंत 15 अगस्त को वो कोविड को दे दिया सर हमने, और 50 बेड पूरा ऑक्सीजन का हमने चालू कर दिया सर। बहुत ही खूबसूरत काम किया सर आपने, पर हमें खुशी इस बात की कि आप एकदम स्वस्थ होके अपने परिवारजनों के बीच में हैं, और आपके सब इस समय खुशी चेहरे पे दिखाई दे रही है। और जो आपकी जो नियत है, जो आपका दिल है, जैसे आपने कहा कि आपने पूरा हॉस्पिटल जो है वो कोविड पेशेंट्स के लिए फ्री कर दिया है सर। आपके जैसे आदमी के साथ जुड़े, हम कोविड नहीं होता तो आपसे भी जुड़ते नहीं सर। हमको तो उल्टा ऐसा लगा कि आप हमको कोविड हो गया, कुछ ना कुछ अच्छा हुआ जो देश के लिए। लव यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया सर। सर ये पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आया था, एक तब ऑक्सीजन लेवल जब भर्ती किया तब 97-98% चल रहा था, 2 दिन बाद में जिसको हम लोग कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया, सडनली सर इसका सेचुरेशन 84-85 हो गया। इन्होंने तब तक 4-5 लोगों को मैसेज कर दिया मैं जा रहा हूँ, उठाया आईसीयू में लेके गया। 1 हफ्ते तक इनको NIV नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, 1 हफ्ते बाद धीरे धीरे अच्छा हुआ और आज आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद सर एक बार फिर से, और बड़ी खूबसूरत फैमिली आपकी। आप जैसा हीरा आपकी माँ ने, आपके बाप ने हमारे देश के लिए दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया शुक्रिया। मैं कहना चाहता हूँ कि ये नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन जैसे इन्होंने कहा,
अक्सर हमने देखा है कि लोग वेंटिलेटर ढूंढ रहे हैं, फोन कर रहे हैं, मुझे वेंटिलेटर चाहिए। तो प्लीज ये आप याद रखिए कि आपको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है बचने के लिए। इनफैक्ट अगर आपको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, जैसे डॉक्टर बंसानी ने कहा, या सिर्फ ऑक्सीजन मास्क NRBM, एक बैग लगा देते हैं आपके ऊपर ऑक्सीजन की, या हाई फ्लो नेसल ऑक्सीजन, उसी से जाने बच रही है, तो इसमें वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आपके डॉक्टर को कहिए मुझे एक ऑक्सीजनेटेड बेड चाहिए, और आपकी काफी जाने बच सकती है। तो ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात बताई आपने। प्लीज डोंट आस्क फॉर वेंटिलेटर। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इतना जरूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो आइए देखते हैं, हमारे साथ और भी लोग जो है वो मौजूद हैं। हेलो, हेलो, हाय, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका हमारे शो पे। 1 2 3 4 5 6 दो लड़कियां, चार लड़के। अच्छा डॉक्टर वैभव, हु इज डॉक्टर वैभव? हाय डॉक्टर वैभव, हाउ आर यू? मेरी आपसे बात हुई थी फोन पे, राइट? जी आपसे मेरी बात हुई थी। यस हाय सर, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अमृतसर, योर ओन होम टाउन। ओह वाह, वेलकम ब्रो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे साथ मुंबई से डॉक्टर मुफी हैं और डॉक्टर भंसाली हैं। सो वैभव, मैंने जस्ट कपिल से कहा कि इस जंग में सबसे ज्यादा मदद यंगस्टर्स आप जैसे इंटर्न्स और रेजिडेंट्स ने की है, सो थैंक यू सो मच फॉर द हेल्प। सर ये राउंड ऑफ अप्लॉज आपके लिए सर, जो आपने सारा काम किया है कोविड में। और सर वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट यू, हम आपके बारे में न्यूज मीडिया सब जगह पढ़ते रहते हैं। वो डॉक्टरों के कपिल शर्मा हुआ। अच्छा वैभव, आप कुछ बता रहे थे अपने फेस्टिवल, कुछ करवा रहे हैं आप? सर इट इज वन ऑफ अ काइंड इवेंट जो पहले कभी नहीं हुआ, एंड इट इज फॉर आवर कॉलेज जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है अमृतसर में। ओके आज इसको 100 साल पूरे हो चुके हैं। 100 साल, 100 ईयर्स, वाओ, कांग्रेचुलेशंस सभी स्टूडेंट्स को, सभी डॉक्टर्स को। जी तो हमने सोचा कि इस मौके पे कोई इवेंट जरूर करना चाहिए। जी तो हमने यही प्लान किया है, हमने एक इवेंट का नाम रखा है जिसका नाम है सेंटीग्रेड 2020। ओके और सर इस इवेंट में मेन मोटिव रहेगा कि जितने भी हमारे पास एंट्रीज आएंगी फ्रॉम एवरी मेडिकल कॉलेज इन पंजाब, जो भी इसमें हिस्सा लेगा उससे हमें जितने फंड्स इकट्ठे होंगे वो सब हम कोविड में लगाएंगे, और कोविड में जितनी भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, दवाइयों की जरूरत है, मास्क की जरूरत है, स्टरलाइजर की जरूरत है, वो सब हम इस फंड से इकट्ठा करके पूरा करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप डॉक्टर वैभव। थैंक यू डॉक्टर वैभव और तमाम आपके साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा मजा है आपके साथ बातें करके, और आई एम श्योर जब लोग आपको इस समय सुनेंगे, जब ये शो आएगा टीवी पे, तो बहुत सारे लोग जो आगे आएंगे, बिकॉज हम लोग बहुत सारे किस्से ऐसे डॉक्टर मुफी से और डॉक्टर भंसाली से भी सुन चुके हैं। जब भी कोई आप अच्छा काम करने घर से निकलते हैं तो धीरे धीरे करके कारवा बन जाता है, और हम सब आपके साथ हैं। बाकी हम लोग फोन पे बात करेंगे, और भी कुछ करना होगा हम लोग करेंगे, ठीक है? सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए, क्योंकि इस समय जितना समय डॉक्टर्स का कीमती है वो किसी का नहीं है। और वंस अगेन थैंक यू सो मच वैभव एंड फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं। सर नमस्कार। जय जिनेंद्र गौतम जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैं सबसे पहले तो कपिल इस शो के बारे में कहना चाहूंगा कि इट्स अ हेल्प्स ऑफ यू, लोगों को हंसाना कोई खाने की चीज नहीं है। शुक्रिया सर, बहुत ही है लोगों को, और इतने टाइम तक पकड़ के हंसाना, मतलब हम लोग इसको रेगुलरली देखते हैं, और जो आप एक एक की खींचते हो भगवान बचाए उन लोग को। सर आज हमने देखो, आज डॉक्टर साहब को पकड़ा है हमने, आज दोनों डॉक्टर साहब को मैं हैट्स ऑफ करता हूँ, इन्होंने जो काम किया है कोविड में, मतलब आपको कहेंगे भगवान का दूसरा स्वरूप है, लोगों के पैसे बचे हैं, हमने जो कोविड सेंटर चालू किया है इनकी बदौलत चालू किया है, और सिर्फ 2 महीने के अंदर मोर देन 500 पेशेंट आ गए हैं, और उसमें 450 पेशेंट अच्छे होके घर पे सुख सहमति से पहुंच गए हैं। मैं आपको एक एक इंसिडेंट सुनाता हूं। पहला पेशेंट आया तो वो बोला कि मेरे घर वाले की ऐसी इच्छा है कि मैं जब यहाँ से जाऊं तो बैंड बाजा और नगाड़ा और ढोल और बैंड सब लेके आऊं, मेरे घर वाले ऐसे सोचते हैं। तो होम डॉक्टर ने फोन किया, मैंने बोला भाई उसको बोल कि यहाँ से तो बैंड बाजे के साथ जाएगा, बाहर पुलिस वाले तेरा बैंड बजा देंगे।
ये जो हम लोगों ने मिलकर एक कोविड सेंटर खोला, एक समाज की थी जीतो करके, जीतो और जियो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये था कि फ्री का खाना, फ्री का रहना, आराम से टीवी वगैरह लगाओ, सब अच्छा। लोग जो मतलब जिनके पास घर में रहने की सुविधा नहीं है या पेमेंट की इश्यू है, सारा समाज के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके किया और टोटल खोला मुंबई सेंट्रल तारदे में 100 बेड का खोला बिल्कुल भी, और समाज के लोगों ने मिलकर सारा खोला। पर जो आप काम कर रहे हैं सर, डॉक्टर साहब और सबकी टीम के साथ मिलकर, बड़ा ही सराहनीय काम है और लोगों की दुआएं मिल रही हैं आपको, ऐसे ही अच्छे काम करते रहिए सर। और जब कभी ये सब नॉर्मल हो जाएगा तो आप हमारे शो पे भी आइएगा सर, प्लीज। जी बिल्कुल, श्योर 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 सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कोठारी साहब, थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू मैम, थैंक यू, मिच्छा भी दिखूंगा, थैंक यू कोमल जी, शुक्रिया सर। अभी हैं धीरज राठी, इन्होंने उधर सेटअप किया है पूरा, हेल्प वॉलंटियर भी थे स्टार्टिंग से, तो NSCI डोम में जो नॉन कॉन्टैक्ट फैसिलिटीज है, रिमोट मॉनिटरिंग, IIT के इंजीनियर रह चुके हैं। अच्छा वाह, चलिए जी मिलाइए राठी साहब को कॉल जरा। आगे धीरज सर, नमस्कार। सर नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है सर, नमस्कार मैम। नमस्ते कपिल जी, हम तो सिर्फ रिमोटली सिर्फ इलाज कर रहे हैं लोगों का, आप तो रिमोटली पूरे देश को हंसा रहे हो, देश को पूरा एंगेज करके रख रहे हो। शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए सर, बस आज हमको दिल से अच्छा लग रहा है। और हमें डॉक्टर मुफी ने बताया कि कैसे आप लोगों ने कोविड सेंटर जो है वो बनाए हैं और जरूरतमंद लोगों की हेल्प कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर मुफी तो जो है वो घर जा नहीं रहे 4-5 महीने से, आपका बिल्कुल उल्टा है, आप बिल्कुल घर पे हैं। क्या लगता है आपको, डॉक्टर मुफी जो है उनकी लाइफ में अच्छा हो रहा है कि आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है? बाकी तो पता नहीं था कपिल, पर आज रहना जरूरी था घर पे जी, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली इतनी फैन है आपके शो की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, खासकर हमारी बीवी, तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो कि मतलब कपिल कनेक्ट करें और दीपा कपिल पे फिदा और हमें कह दिया अलविदा। तो मैंने कहा कि आज जरूरी है कि भाई आज हम यहाँ पर ही रहे, बट लास्ट 4 महीने से जरूरी है कि जद्दोजहद थी जी। फरवरी मंथ में या मार्च में अगर आपको ध्यान हो तो 4 हॉस्पिटल्स एक साथ बंद हो गए थे, और उस वक्त डॉक्टर मुफी हमारे को मतलब मेरे से मिलने आया। अच्छा जी। एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू मेंशन कि धीरज अगर ये वेंटिलेटर्स पे लोग पहुंचे तो फिर जिंदा नहीं बचेंगे, हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वेंटिलेटर पे पहुंचने से पहले पहले पेशेंट को कैसे बचाया जाए। Fabulous. उसके बाद मेरे को डॉक्टर मुफी ने एक दो आइडिया दिए था, एक तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि सोप से इजीली वायरस मर जा रहा है तो किसी तरह से हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि जहां पर कम से कम जो मेडिकल जो एसी की गैसेस होती हैं उनको सेपरेट कैसे करें, नेगेटिव आइसोलेशन कैसे क्रिएट करें, और दूसरा एक उन्होंने बोला था कि यार एक ओपन स्टेडियम में रखा जाए जहां पर 300 से 400 लोगों को एक साथ कैमरे के थ्रू रिमोट मॉनिटर करके और इलाज किया जाए। इसके बाद बॉम्बे हैज प्रोड्यूस्ड 8,000 बेड्स इन जंबो फैसिलिटी, एंड टुडे हमारे 10 सिटीज में हमारे खुद के ऑफिसेज हैं, 60 कंट्रीज में कपिल हम एडवाइस करते हैं, टेक्नोलॉजीज लेके आते हैं, क्या बात है इंडिया में, बट नो सिटी इज एज प्रिपेयर्ड एज मुंबई इज टुडे। तो अब तक क्या था कपिल के ICU अगर आप जाओगे तो यू नेवर गेट टू सी द पेशेंट राइट इन कोविड राइट। तो मैंने कहा डॉक्टर अंदर जाने को डर रहा है, यू कैन नॉट मॉनिटर पेशेंट 24/7, तो हमने एक कैमरा पेशेंट के ऊपर रखा, सॉफ्टवेयर के द्वारा हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा दी, तो अर्चना जी कैन एक्चुअली स्पीक टू माई ICU पेशेंट राइट नाउ सिटिंग हियर। अच्छा, आई जस्ट हैव टू press one link and you, she, I, any other doctor in the world can contact that and discuss the patient. Sab reports aayenge. Toh waise humne karwa diya. So it's like a gizmo thing. It's like a spaceship. Agar aap NSC mein hain. So he is one of the architects of that. Wow. Kya baat hai sir? So ek cheez ye bimari mein aisi thi. This is a comedy show, but sadly, ye bimari mein log akele mar rahe the. Yeah. So I started doing this video calling. तो वीडियो कॉल पे दे कुड एक्चुअली सी देयर लव्ड वन, बात कर सकते थे जी, जब तक बात कर सकते थे दे कुड स्पीक टू देम, दे कुड सी देम, एंड एवरी डे एन ICU पेशेंट गेट्स टू स्पीक टू देयर रिलेटिव्स। ओह दैट्स फैंटास्टिक, सो दैट इज व्हाट आई, दैट इज द होल रीजन। सर मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं, आप सब लोग हमारे हीरोज हैं। धन्यवाद धीरज जी हमारे thank साथ ऑनलाइन आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। अब करवाइए भाई साहब से काम। जो नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये हैं भरत मिश्रा जी मुंबई से।
इन्होंने डॉक्टर मुफी और डॉक्टर बंसाली के साथ मिलकर बड़ा अच्छा काम किया है। भरत जी नमस्कार। नमस्ते सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। भरत जी मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने किस प्रकार से अपनी सेवाएं दी हैं, किस प्रकार से आप इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं। सर पहले तो मैं बताऊं कि ये अक्सर मैं आपको टीवी पर देखता था लेकिन आज लाइव देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है सर। शुक्रिया सर, थैंक यू। हाय मुफी सर। हेलो हेलो सर जी। ये सर आपकी तो निकल पड़ी सर, अब बाहर में लोग आएंगे तो आपसे ऑटोग्राफ मांगेंगे, लाइन लग जाएगी सर। कपिल सर हम आपके बड़े फैन है। कोई किसी ने मुझे नहीं कहा सर आपके बड़े फैन है। अरे सर आप आपके फैन हो ना सर। तो सर आपने अपने स्किल्स से क्या चीजें आपने नई आविष्कार किया या किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं लोगों की? सर ये जो पूरी कॉन्टेक्टलेस फैसिलिटी बनाने की पूरी सोच है ये डॉक्टर मुफी और धीरज ने शुरुआत की। ये अच्छा, जब एक्चुअली ये कोरोना महामारी कॉन्टेक्ट से फैलता है तो उन्होंने एक कॉन्टेक्टलेस सिस्टम बनाने की सोची। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे पहले क्या होता था, एक डॉक्टर का जो और नर्सेस की जो दायरे थे और अगर वो एक हॉस्पिटल तक सीमित था। अगर मुझे लाइव पेशेंट को देखना है तो मुझे हॉस्पिटल जाना है और वहां से मैं उसको मुआयना कर सकता हूँ। लेकिन ये कॉन्टेक्टलेस फैसिलिटी बनने के बाद, ये सॉफ्टवेयर बनने के बाद, आप डॉक्टर कहीं से भी किसी भी कोने से एक पेशेंट को मुआयना कर सकते हैं। जो डॉक्टर मुफी ने और धीरज ने एक कंटेनर के अंदर जो आईसीयू फैसिलिटी बनाई ये काबिले तारीफ है और इसमें जो किफायती भी है, अगर ये पूरी इंडिया में इंप्लीमेंट हो जाए तो मुझे लगता है कि कोरोना महामारी से लड़ने में हमें काफी मदद। सर बिल्कुल सर, जरूर जरूर होगा। और इसकी यूज मुझे सिर्फ कोरोना तक नहीं सीमित रखनी है, तो इसके बाद जो हमारी रूरल हेल्थ केयर है जहाँ पर इतने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं रह गए, तो ये रूरल हेल्थ केयर अगर हमारी इंटरनेट स्पीड सही रही तो बंबई के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनको भी कंसल्ट कर सकते हैं, तो वी कैन सेव सो मेनी लाइव्स। बहुत ही खूबसूरत आइडिया सर ये एक्चुअली। जी भरत जी सॉरी बीच में हम लोग। मैं एक्चुअली हुआ यूं कि बहुत सारे मशीन्स को मुझे इंटीग्रेट करना था और एक क्लाउड पे लेके जाना था ताकि डॉक्टर अच्छे से उस मशीन के थ्रू पेशेंट को मॉनिटर कर सके। तो हुआ यूं कि एक मशीन को शायद मुझे लगता है इंटीग्रेट करते समय मुझे ये इन्फेक्शन हो गया और मैं 14-15 दिन के लिए उसी आईसीयू में उसी कंटेनर के अंदर फिर चला गया और वही चीज जो मैंने बनाई थी वो मेरे काम भी आई है। डॉक्टर मुफी को मैं थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि उन्हीं के मेडिकेशन से, उन्हीं के एफर्ट से आज मैं दिख रहा हूँ आपको। 15 दिन के बाद जो आईसीयू से बंदा आया है मैं जैसा दिख रहा हूँ आपको, आपको महसूस हो रहा होगा उन्होंने मुझे कितनी मदद की। अगर मैं एक बात बताऊँ, यही सोच और यही विचारधारा और यही नॉलेज और स्किल सेट से अगर ये डॉक्टर पूरे इंडिया में काम करे तो मुझे लगता नहीं है कि कोरोना बीमारी ज्यादा दिन तक टिक पाएगी इंडिया में। बिल्कुल, हम लोग इससे आसानी से लड़ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी आपका, बड़े मजेदार इंसान है आप। अपना ध्यान रखिए और जल्दी मुलाकात करेंगे ईश्वर ने चाहा तो। सर आपको भी धन्यवाद सर, इस शो में मुझे लाइव शामिल किया। थैंक यू भरत जी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो नेक्स्ट कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रही है वो है ज्योति पांडे फ्रॉम पनवेल। ये नर्सिंग हेड है एनएससीआई डोम में और डॉक्टर मुफी की टीम में काम करती है। नमस्कार ज्योति जी। नमस्कार कपिल जी। सबसे पहले तो हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं बिकॉज हम लोग अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि इस पैंडमिक में कैसे आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना आप लोग दिन रात घरों से निकल के और लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। वेलकम कपिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि ज्योति जी आपकी टीम से हैं तो आप प्लीज परिचय करवाएं इनके बारे में और कुछ बताएं। ज्योति फर्स्ट अप्रैल या कभी हमें आके ज्वाइन की थी, उसने बहुत ही ब्रेव लड़की है। चार साढ़े चार महीने हमारे साथ काम किया, कितनी बार अंदर गई कुछ भी फिक्र के बगैर, और जैसे उसका सरनेम है पांडे तो हम उसको पांडे जी बुलाते थे। तो बहुत ही ब्रेव लड़की थी, जिसको कुछ दमदाती देनी थी तो पांडे जी से करवा लेते थे। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि करीबन 15-20 दिन पहले उनकी माताश्री को, उनके डैडी को और बहन को, तीनों को इन्फेक्शन हो गया। तीनों आए थे हमारे पास, पहले डैडी को कुछ सिम्टम्स थे नहीं, हमने होल्डिंग सेल में रखा था, फिर उनकी टेस्ट हुई, लेकिन फिर डैडी की तबीयत बिगड़ती गई। जब डैडी की तबीयत बिगड़ती गई तो फिर उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। हमने उनको जो भी दवाइयाँ है सभी टाइम से टाइम दी। अनफॉर्चुनेटली फिर उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। एक रात मुझे रात को 2 बजे जाके उनको इंट्यूबेट भी करना पड़ा था।
और दुख की बात यह है कि सब कुछ करने बावजूद भी 20 दिन बाद वी लॉस्ट हिम. और ये लड़की इतनी ब्रेव है, इसलिए मेरा सल्यूट उसकी तरफ जाता है, बिकॉज डैडी के दूसरे दिन वो वापस से ड्यूटी पे आ गई आफ्टर पासिंग. ज्योति जी, हमारे दिलों में वैसे ही इतनी रिस्पेक्ट है आप सबके लिए, और क्योंकि भगवान की मर्जी के आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे. लेकिन जो काम आप लोगों के लिए कर रही हैं, आई एम श्योर कि आपके पिताजी जहाँ कहीं से भी आपको देख रहे हैं वो इस समय बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे. कपिल जी, बस ऐसे ही था कि शुरुआत के दिनों में जब हम लॉकडाउन में घर बैठे थे जी, तो बहुत बार पापा मजाक से बोलते भी थे कि अरे तू तो हेल्थ वर्कर है तो तू लॉकडाउन में कैसे घर पे बैठ सकती है. अच्छा. तो सडनली जब आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर इन सेवा मंडल एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग माटुंगा. अच्छा जी. तो घर में तो क्या लेक्चरर होने के कारण कॉलेजेस तो सारे बंद हो चुके थे, तो हम भी सारे टीचर्स घर पर ही बैठे थे. अच्छा जी. तो सडनली एक दिन मैनेजमेंट का कॉल आया कि आप लोगों की पोस्टिंग वर्ली एनएससीआई में की गई है. तो वो न्यूज सुन के माँ तो घबराई और पापा वॉज लाइक कि देश की सेवा करने का तुझे मौका मिल रहा है तो अभी ये टाइम है जो तुझे जाना ही पड़ेगा. क्या बात है. तो जो हौसला बांध के जो अप्रैल महीने में मैंने घर छोड़ा शुरुआती माह में, और उसमें 5 महीना घर की तरफ हमने कभी पलट के ही नहीं देखा. माय गॉड. और आगे भी कोशिश यही रहेगी क्योंकि देश की सेवा अगर करनी है, और पापा ने उसके लिए ही बुलंद बनाकर घर से मुझे बाहर भेजा था, तो अब हार मानकर घर बैठने वालों में से तो मैं नहीं हूँ. क्या बात है. सो प्राउड ऑफ यू ज्योति जी. और जैसा मैंने पहले कहा कि आपके पिता बहुत प्राउड होंगे आप पे और बहुत खुश हो रहे होंगे कि मेरी बेटी जो है इस समय देश की निष्काम सेवा कर रही है सब कुछ भूल के. कपिल जी, एक शायरी बोलना चाहूंगी. प्लीज प्लीज प्लीज. हम तो वैसे भी सिद्धू जी को बड़ा मिस कर रहे हैं. सॉरी. जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है. अच्छा. जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है. क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है. वाह, क्या बात है. बहुत ही खूबसूरत लाइनें कही आपने. बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी, खुश रहिए आप हमेशा. थैंक यू. थैंक यू सारे नर्सिंग स्टाफ को. बहुत सल्यूट करना. एक्चुअली एक्चुअली और दे आर सर रियल बैकबोन. सर रियल बैकबोन. पेशेंट के पास जाना, बिल्कुल काम करना. बिल्कुल. बहुत बहुत वाह. All the nurses. ये कोरोना महामारी में कितने लोगों को लगता है इन्होंने बचाया नहीं, इन्होंने ये कोशिश नहीं की. मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ प्लीज के एंड तक डॉक्टर छोड़ता नहीं है आपका साथ, लेकिन कभी कभी हमें तब भी हार माननी पड़ती है. इतनी भी कोशिश करने के बावजूद भी इसमें कभी कभी लोग नहीं बच पाएंगे. नहीं बच पाते, बिकॉज ये बीमारी वैसी है. तो प्लीज आप किसी डॉक्टर को दोषी मत ठहराइए. कपिल जी, इसमें मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका जो हमेशा गर्व करता था, इटली जो गर्व करता था कि हम लोग हेल्थ इंफ्रा के अंदर नंबर वन है, मैं आपको बताता हूँ हिंदुस्तान ने इतना बढ़िया काम किया है. एक हमारी जस्ट मीटिंग हुई थी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल की, जब पेशेंट बहुत बढ़ रहे थे, थोड़ा बिलिंग का इश्यू चल रहा था. हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री साहब है उद्धव ठाकरे साहब ने जस्ट एक प्राइवेट डॉक्टर्स वगैरह हॉस्पिटल से मीटिंग बुलाई और उन्होंने जस्ट एक लाइन कही कि डॉक्टर साहब दिस इज नॉट टाइम फॉर चैरिटी, दिस टाइम फॉर सेक्रीफाइस. हम लोग थोड़ा सा सेक्रीफाइस चाहते हैं. क्या बात है? हम लोग थोड़ा सा रेट कम चाहते हैं. आज हमारा गरीब मरीज है बेचारा, वो कहाँ जाएगा. सारे प्राइवेट हॉस्पिटल मुंबई के सब ने एक ही स्वर में बोला, साहब आप रेट आप फिक्स करो, हमारी पूरी टीम सारे प्राइवेट हॉस्पिटल सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिल जान से लग के काम करेंगे. तो भैया थैंक यू वेरी मच. ओके बाय 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 बाय. आप जा सकते हैं. थैंक यू. क्या 100 रुपए दीजिए ना मेरे. ओ, आपके पास 1000 का छुट्टा है. हाँ जी, हाँ जी. हाँ, तो पहले वो खर्चा कर लो ना, और क्यों मांग रहे हो फिर. मेरी मेहनत के पैसे हैं, वो ऐसे कैसे छोड़ दो. इतने हष्ट पुष्ट आदमी हो, मेहनत कर रहे हो, शर्म नहीं आती है. ऊपर वाले ने 2 हाथ दिए, जाओ चोरी चकारी करो कुछ. अरे कमाल कर रही हैं आप. ओ थैंक यू. मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, सब मुझसे कहते हैं कि आप कितना कमाल कर रही हैं. कितने स्वीट हो तुम. अरे ये है कौन. मैं कौन हूँ. मैं हूँ बम्पर जो रहती है अपने दम पर.
और ज्यादा सवाल किए ना तो लात दूंगी तुम्हारे। निकलो निकलो निकलो। हेलो डॉक्टर लकड़ावाला, नमस्ते। डॉक्टर बंसाली जी नमस्ते। बंपर तू यहाँ क्या कर रही है? ओ गॉड, इन मैन इज सो इनक्विजिटिव यार। कितने सवाल पूछता है। चलिए मैं बता ही देती हूँ। देखिए मैं यहाँ पर नर्स हूँ, ये डॉक्टर नहीं है, तो आपको दिखाई दे ही रहा है। या तो दो मिनट के लिए अगर आप अपने जज्बातों पे काबू पा लें तो आपको इस बात का इल्म हो जाएगा कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। ओके, नाउ इफ यू डोंट माइंड कैन आई। ओहो, क्या हो, क्या गया तुझे? नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन हो गया। हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। मैं ये सब यहाँ पे करने नहीं आई हूँ। मैं जो करने आई हूँ मैं क्या मैं कर सकती हूँ, इफ यू डोंट माइंड। मैं खाली आपको ये बताना चाह रही थी कि मैं एक नर्स हूँ, तो बतौर नर्स आई वुड लाइक टू जॉइन यू। अच्छा, तू ज्वाइन करेगी? वो इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने सालों से डॉक्टर है, तू कभी छह महीने से कभी केले बेच रही है, कभी पंक्चर लगा रही है, कभी कुछ कर रही है। और एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, पंचर लगाना कोई आसान काम नहीं है, हवा टाइट हो जाती है। नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रही हूँ। अभी सर मैं आपको बता रही हूँ, दो दिन पहले मैं एक पंचर लगा रही थी, दो घंटे तक लगातार मैं पंचर लगाती रही, लेकिन लगा ही नहीं। और फाइनली मुझे उनको वही बोलना पड़ा, क्या नहीं लगा, कि अफसोस ट्यूब तो ठीक है लेकिन हम टायर को बचा नहीं पाए। बम्पर तू ना बहुत डिस्टर्ब करी, चल यहाँ से निकल। वाह वाह, अर्चना जी देख रही हैं आप? हाँ, क्या? इंसान में इतनी हवा भर गई है कि इसे अब टायर की फिक्र ही नहीं। वाह वाह वाह, इंसान होता ही ऐसा है, इसे टॉप में तो बैकलेस चाहिए लेकिन टायर ट्यूबलेस नहीं। वाह, हाय हाय, ये दुनिया, ये महफिल, में क्या कहूँ अब। बम्पर ये क्या क्या बातें कर रही है तू? नहीं नहीं, मैं खाली बातें ये कर रही हूँ कि ऐसी बातें मैं कर सकती हूँ पर करने नहीं वाली हूँ, मैं ये खाली दिखाना चाह रही थी। एनीवेज, नाउ इफ यू एक्सक्यूज मी कैन आई। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं कह रही थी कि ये कैन यू प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहनत की है। देखिए मैं अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आई हूँ, तो आप मुझे रख लीजिए बस। ये क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये डॉक्टरों की इंटरनल, ये डॉक्टर की इंटरनल भाषा है, आपके समझ में नहीं आएगी, आपके बस का नहीं। तू कहाँ से डॉक्टर है पहले ये? मैं हर जगह से डॉक्टर हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो इतनी ज्यादा डॉक्टर हूँ, मैं कभी कभी अपना कपड़ा लेने जाती हूँ ना, तो मैं मीटर में नहीं लेती, मैं थर्मामीटर में लेती हूँ। डॉक्टर साहब आप ऐसे मुझे देख रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक्चुअली सच बताती हूँ, मैं इतनी ज्यादा हॉट हूँ ना कि मैं क्या कहूँ। खुद की तारीफ खुद ही कर रही है, देर कैसी बंदी। करनी पड़ती है सर, करनी पड़ती है। मैं से किसी ने ना सच कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद बंदा कौवे से पूछे कि कंकड़ कहाँ डालना है। ये क्या बात है, कौवा कहाँ से आ गया? वो बहुत प्यासा था इसलिए आ गया। ये सब छोड़, तू भी ये बता, तू इतने दिन थी कहाँ पर? कपू शर्मा, इसका जवाब ना आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए और ढूंढिए और टटोलिए और पता कीजिए कि ये पंपर इतने सारे महीनों तक कहाँ थी। आप तो मुझे भूल कहना चाह रही हूँ, यहाँ आके आप तो कुर्सी से चिपक गई, आपने भी कभी पता करने की कोशिश नहीं की कि ये बम्पर जो रहती थी अपने दम पर वो कहाँ है, आप लोगों को फिक्र ही नहीं। मत रो, हमारी हंसी निकल रही है। इन बातों को भुलाते हैं अब। डॉक्टर मूफी जी, मैं एक बात आपसे जानना चाह रही थी। मेरे घर में ना हम एक नया सोफा बनवा रहे हैं, तो ये बबूल की लकड़ी ठीक रहेगी या शीशम की? उनको क्या पूछ रही है, ये लकड़ा वाला इनको नहीं पता होगा। डॉक्टर साहब एक और बात आपसे जाननी थी, कल अगर जब आपकी बेटी की शादी होगी तो वहां पे भी आप लड़की वाला होंगे कि वहां भी आप लकड़ा वाला ही होंगे? वैसे मैं इतनी ज्यादा फनी हूं ना, मैं तो सच कह रही हूँ, आप ना मुझे अपने साथ रख लो, मैं 24/7 काम करूंगी। मतलब 24 घंटे काम करेगी? नहीं नहीं, मैं खाली बता रही हूँ, मैं 24 घंटे में सिर्फ 7 घंटे काम करूंगी, क्योंकि और वो भी सिर्फ रात को करूंगी। दिन में मुझे बहुत डर लगता है। दिन में क्यों डर लगता है? दिल में इस बात से डर लगता है कि रात कब हो जाए पता नहीं।
वैसे बंसाली जी जी, बंसाली जी मैं आपको सच बताऊं जी, बताइए ना बंसाली जी, मैंने आपकी पद्मावत ना 4 बार देखी, मुझे बहुत ज्यादा बब्बर ये वो वाले बंसाली नहीं है। हाँ तो मैंने कौन सी पद्मावत देखी, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मैंने देखी नहीं है। लेकिन वैसे उनको जानते हैं, उनके फैन भी हैं। जानती हैं, अच्छे दोस्त हैं। पद्मावत सबसे पहले मैंने देखी थी, मुझे बुला के दिखाई थी। मैंने भी 2 बार देखी है, अगर आपसे उनकी मुलाकात हो तो कहना मैंने देखी है। मैं कहानी सुना दूंगी उनको, मैंने देखी है। तू चाहती क्या है पहले ये बता। मैं अंबानी जी को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ, कहना है मुमकिन है? फालतू के काम इससे करवा लो बस। हाँ तो आपका ये शो देख के कौन से डॉक्टर बन रहे हैं यहाँ पे लोग, क्या हो रहा है? का मुझे बड़ा बनना ना डॉक्टर, तू बता चल, अगर किसी को जुकाम हो जाए तो क्या देते हैं उसको? जुकाम हो जाए तो बोली उसे रुमाल देते हैं। दवाई देते हैं उसको? दवाई तो सब देते हैं कप्पू शर्मा, रुमाल देके देखो यार। और देखिए आप ही बताइए, किसी लव स्टोरी को आगे बढ़ाना हो दवाई से आगे बढ़ेगी? आपने इतनी सारी फिल्में देखी, हीरो रुमाल उठा के कहता है एक्सक्यूज मी आपका रुमाल गिर गया। कभी देखा किसी हीरो को कहते हुए ए आपकी नस्ले की दवाई गिर गई, जरा लीजिए। लेकिन बम्पर बहुत सही कह रही है, कोरोना के वक्त पे दवाई से ज्यादा रुमाल ही जरूरत है। देखिए मैं कह रही हूँ, रुमाल मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा आम आदमी का मास्क कितने से कपड़े में बन जाता है, इसका बनेगा भाई 3 मीटर में। हो गए खत्म तेरे रुमाल? नहीं नहीं खत्म नहीं हुआ, अभी तो मेरा शुरू हुआ है। ए रुमाल ले लो, रुमाल ले लो, रुमाल ले लो, रुमाल ले लो, चलो 5 का 1, 10 का 3, 10 का 3 रुमाल ले लो, रुमाल ले लो, रुमाल ले लो, मुंह पे लगाओ, कान पे लगाओ, हाथ पे लगाओ, जहाँ पे लगाना है लगाओ, रुमाल ले लो, रुमाल ले लो। मुंह पे लगाओगे तो मास्क बन जाएगा, बच्चे को लगाओगे तो डायपर बन जाएगा, गले में लगाओगे तो जग्गू दादा बन जाएगा। ए रुमाल ले लो, रुमाल ले लो भाई साहब, रुमाल ए रुमाल ले लो, आंटी की रुमाल ले लो, ओ भाई साहब रुमाल ले लो, सभी वाले भाई साहब रुमाल ले लो, ए रुमाल ले लो, रुमाल ले लो, रुमाल ले लो, रुमाल ले लो, ए सर हाथ में मीटर से रुमाल ले लो, आधी रुमाल ले लो, रुमाल ले लो, ए आंटी रुमाल लो ना, नहीं चाहिए, ए रुमाल ले लो। तो ये तू अचानक से रुमाल की बेचने लग पड़ी कप्पू शर्मा? अचानक से नहीं, पिछले 5 महीने से मैं रुमाल ही बेच रही हूँ। अचानक से तो मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि 5 महीने से आप तो मुझे भूली भूली भूली। चलिए डॉक्टर साहब मैं बाहर आपका इंतजार करूंगी, मैं यहाँ पे और नहीं रुक सकते। तो आज हमारे बीच डॉक्टर मुफी और डॉक्टर गौतम की कोर टीम जो है वो भी यहाँ पे आई हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी मंच पे आए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज आइए आइए इधर आइए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और एक बार फिर से बहुत 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 शुक्रिया आप जो इस समय जो काम कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? सुधीर फ्रॉम मुंबई। तो सुधीर जी आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? आईटी देखता हूं। ओके आई थिंक 3.5 मंथ्स के बाद मैं मेरे भी बच्चों को माँ को मिला हूँ। अच्छा द फर्स्ट टाइम मेरे बेटे को मैंने बोलते हुए सुना है, फादर पापा करके बोलते हैं। When he left home, his child couldn't speak. So first time he went after him. Thank you, Sudhir ji. सर मेरा नाम ओमकार है और मैं धीरज सर और भरत सर के साथ आईटी और सॉफ्टवेयर के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहा हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस एक ये था कि जब बारिश हो रही थी बहुत सारी और ICUs और यहाँ पे पानी भरने का बहुत चांसेस थे जी, तभी हमें एक बैकअप के लिए ICU खड़ा करना था। और हम लोगों ने जो पिछले 20 दिन से ICU के लिए प्लानिंग कर रहे थे वो ICU हमने 3 या 4 घंटे में खड़ा कर दिया, एक बैकअप ICU। मैम आप आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुकैया है, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ। अच्छा जी। मैं डॉक्टर मुफी की टीम में काम करती हूँ। अच्छा जी। और एक दिन था जब सर का सिर्फ इतना आया कि हेल्प चाहिए और लोगों की जरूरत है उनके साथ टीम की जी, तो हमने बस हाँ बोल दिया कि अगर एक लाइफ सेव कर सकते हैं हम तो क्यों नहीं, अगर अपॉर्चुनिटी दी है हमें करने की हेल्प, और बस हम आ गए हेल्प करने। जी मेरा नाम रुचिरा है, सर ने एक दिन मैसेज किया था कि मुझे तुम सबकी ज़रूरत है, अगर आ सकते हो तो आ जाओ, और बस तब से हम सर के साथ काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, नमस्कार सर। मेरा नाम डॉक्टर रईस है और पिछले 4-4.5 महीने से हम लोग लगातार
कोविड की लड़ाई में पेशेंट्स की जान बचा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. माय नेम इज करना शर्मा. मैं डॉक्टर मुफी के साथ काम करता हूँ. एंड आई लाइक टू शेयर वन स्टोरी. देयर वाज वन मोमेंट व्हेन मैंने सर को देखा था रिमोट मॉनिटरिंग से. सर एक पेशेंट के साथ में थे. हमारा फर्स्ट पेशेंट था आईसीयू में. मेरे पास सर भागते हुए आए एंड करना इस पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं जा रहा है. एंड आई मैंने आस पास में देखा, मैंने एक प्लग था जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को लगाया जाता है, तो वो कुछ एक्सीडेंट रीजन से वो प्लग बाहर आ गया था. एट द सेम टाइम उस पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 50 तक पहुंच गया था. मैंने वो प्लग निकाला वहाँ से, मैंने इस तरफ प्लग लगा दिया एंड आई सीन मैंने ऑक्सीजन मीटर अपने आप बढ़ने लगा. आफ्टर 15 मिनट्स मुझे पता चला उस पेशेंट का SpO2 98 हो गया है. ओह वाओ. दैट प्राउड फीलिंग मुझे लगा ना कि बस वो दिन था. एंड टुडे आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन, लाइक हाउ इम्पोर्टेंट इट इज. थैंक यू सर. हेलो सर जी. हेलो अर्चना जी. मैं डॉक्टर सुशांत हूँ, बॉम्बे हॉस्पिटल में इंटेंसिव. मैं एक आपको इंसिडेंस ऐसे ही बताना चाहूँगा. डॉक्टर भंसाली के एक पेशेंट है, तो ही वॉज एडमिटेड 45-year-old जेंटलमैन. एडमिट हुए थे तभी तो ऑक्सीजन लेवल ठीक था, बाद में सडनली कम होना शुरू हुआ. और ऑक्सीजन लेवल जब कम हो गया था उनका, तो ही वेंट इन अ कोविड साइकोसिस. साइकोसिस इतना सीवियर था कि सडनली उसी ड्यूरेशन में उन्होंने विंडो से जंप कर दिया. पेशेंट वॉज वेरी सीरियस. वी हैड टू पुट इमीजिएटली पेशेंट ऑन अ वेंटिलेटर, बट लकीली वी कुड सेव हिम एंड ही इज नाउ एट हिज होम. आज वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, आराम से कर रहा है. थैंक यू डॉक्टर साहब. शी इज अवर डॉक्टर जमीरा. शी इज ऑल्सो वर्किंग इन ICU एंड काम करते करते खुद इन्फेक्ट हुई. अनफॉर्चुनेटली आई वेंट फ्रॉम बीइंग अ कोविड डॉक्टर टू अ पेशेंट. फिर कितने दिन बाद आप ठीक होकर फिर वापस ड्यूटी पर गई? मैम 20 दिन के बाद मैंने रिजॉइन कर दिया. जी सर. आप आई एम डॉक्टर मेहुल देसाई, न्यूरोलॉजी रेसिडेंट फ्रॉम बॉम्बे हॉस्पिटल. ओके. जैसे कोई वॉर चालू होता है, एज वी से इट्स अ वॉर टाइम, वी आर वॉरियर्स, तो एक राजा होता है, एक सेनापति होता है, एंड देयर आर फुट सोल्जर्स जो फ्रंट लाइन पे लीड करते हैं. तो रेसिडेंट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, वी हैव बीन लीडिंग दिस फाइट 24/7. आप हॉस्पिटल में जाते हो, पैथोलॉजी का डॉक्टर है, हड्डी का डॉक्टर है, मेडिसिन का है, एनेस्थेसिया का है, सब ने भूल गए कि वो कौन से ब्रांच से हैं. एक्चुअली सब एक साथ मिलके कोविड में लग गए, बट एवरीवन इज मोर देन हैप्पी टू हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस. थैंक यू सर. थैंक यू डॉक्टर देसाई. जी मैम. नमस्कार मैम. नमस्कार सर. मेरा नाम पूर्णिमा कामले. मैं साई हॉस्पिटल धारावी ब्रांच से हूँ. ये मैडम एक वो हॉस्पिटल है, साई हॉस्पिटल धारावी में. हम लोगों ने सबसे पहले एक हॉस्पिटल लिया था जहाँ धारावी के अंदर इतना एक तरह से भूकंप आ गया था. इतने सारे पेशेंट एक के बाद आ रहे, गरीब पेशेंट है, उनको आइसोलेट नहीं कर पा रहे, क्वारंटाइन नहीं कर पा रहे. उस हॉस्पिटल ने इतना बढ़िया काम किया. ये हमारा सब नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय है, जिन्होंने रात दिन लग लग कर धारावी को, आज धारावी पूरे विश्व में एक मॉडल बना हुआ है कि मुंबई ने धारावी को कैसे जीता है. जब हमारे डायरेक्टर डॉक्टर खालिद शेख ने हमको बताया कि हमारा हॉस्पिटल कोविड के अंडर जा रहा है, अभी पूरा हॉस्पिटल कोविड हो रहा है, तब सर ने मीटिंग लिया एक और बोला कि हमको सबको मिल के काम करना है वहाँ पे. तो सब स्टाफ सब डर गए. टोटल 74 स्टाफ में सिर्फ 21 स्टाफ रुके. अच्छा. दो वार्ड बॉय, दो मावशी, दो RMO और दो सिस्टर, और उन्होंने डबल ड्यूटी करके पूरे एक महीने के बाद फिर पूरा स्टाफ आया कि हमको भी आना है. अच्छा. हम लोगों की सेवा करते ऐसे ही आगे बढ़ेंगे. आप लोग कितना कमाल का काम कर रहे हैं, रियली. थैंक यू मैडम. थैंक यू. थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग. माय नेम इज नौशीन सैयद. आई एम वर्कड इन साई हॉस्पिटल. अच्छा. हमारे ऑनर ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया. स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगा क्योंकि मेरी 1 year की बेबी है. उनको घर छोड़कर काम करती थी, तो इसके लिए डर था और बाकी कुछ नहीं. लेकिन अभी कर रहे हैं तो सब नॉर्मल है. अरे वाह. गुड इवनिंग सर. सर मेरा नाम सोनी वर्मा है. साई हॉस्पिटल धारावी ICU में काम कर रही हूँ सर 12 years से. आज हॉस्पिटल में सिर्फ 10 to 12 पेशेंट है. सर सारे पेशेंट ठीक होके ही घर गए. हम लोगों ने नेगेटिव करके पेशेंट को डिस्चार्ज किया 10 days 15 days के बाद. Amazing. हम आज भी सर 12 hours किट पहन के काम करते हैं और सर हम लोग कोविड के लिए आगे भी काम करेंगे और कोविड खत्म कर देंगे. So proud of you. थैंक यू सर. हाय सर, मेरा नाम शाहनवाज है. हाय शाहनवाज. सर मैं लैब टेक्नीशियन हूँ. और सर जब हम लोग को बोला गया कि आपको कोरोना के साथ काम करना है, तो हम लोग को भी शुरू में बहुत डर लगा. जैसे हमको बताया गया इतना डेंजर है, ये है वो है करके. उसके बाद से जब हम फिर भी बोले कि हमको तो करना ही है, इस फील्ड में हम आए तो हमको ये काम करना ही है. वाह. थैंक यू शाहनवाज जी. जी
सर आई एम प्रदीप। प्रदीप? हाँ प्रदीप जी। प्रदीप बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक्चुअली मैं वो टाइम पे जब सब करोना हुआ था स्टार्टिंग, तभी वो टाइम पे कोई बॉडी नहीं बांधते थे। वो टाइम पे मैंने 25 से 30 बॉडी बांधने में खुद अकेले जाता था, रात को 2 बजे या रात को 3 बजे, कितने बजे भी जाता था मैं। आप सब हमारे हीरोज हैं। यस थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग, एंड आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश की तरफ से, पूरे विश्व की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी दुआएं। कपिल, सिर्फ मुझे एक लास्ट चीज कहनी है कि जिनकी जाने गई है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, पुलिस वाले हो या बीएमसी वाले हो या डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, उनको सह दिल से श्रद्धांजलि। थैंक यू डॉक्टर मुफी, थैंक यू डॉक्टर बंसाली, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।